कैलिफोर्निया का वेदर. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गिव मी हगी. मेरा बेबी. मेरा बेबी. नाउ बेबी विल गो एंड ब्रश टीथ. यहाँ बनाना रख दिया है एंड ये दो मफिन्स हैं एंड इसमें सम ग्रेप्स एंड ग्रीन एप्पल है जो कि उसको पसंद है. हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल. कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे. यहाँ पे आज थर्सडे है एंड रियांस का टीचर के साथ, उसकी जो क्लास टीचर है उसके साथ हमारा पेरेंट मीटिंग है. लाइक रियांस कैसे स्कूल में क्या मतलब कर रहा है, स्टडीज़ वगैरह कैसे वो परफॉर्म कर रहा है, बाकी अदर्स स्टूडेंट के साथ कैसा बिहेवियर है उसका. सो ये सारी चीज़ें टीचर आज डिस्कस करने वाली है. रियांस का स्कूल स्टार्ट हुए 2 मंथ्स के अराउंड हो गया है, तो वही उसके बारे में कि कैसे क्या वो कर रहा है, शाई तो फील नहीं कर रहा है, या उसका कैसा बिहेवियर है, या अदर स्टूडेंट के साथ कॉप अप कर रहा है कि नहीं. सो वो सारी चीज़ें आज टीचर हमसे डिस्कस करेगी. तो आई एम वेरी एक्साइटेड. पता चलेगा कि रियांस में बताएगी कि वो क्लास में कैसे क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, या सिर्फ मस्ती कर रहा है, या अदर बाकी स्टूडेंट्स के साथ उसका बिहेवियर कैसा है, एंड किसी भी तरह का कोई परेशानी तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें डिस्कस होंगी. सो उसके टीचर के साथ हमारा आज मीटिंग है. सो देखते हैं, घर पर ही होगा, जूम मीटिंग है तो घर पर ही हम वीडियो कॉल के थ्रू बात करेंगे. रियांस का क्या है तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी कि रियांस के टीचर ने क्या बताया रियांस के बारे में, वो कैसा है पढ़ाई में. हालांकि पढ़ाई में तो वो अच्छा ही होगा, बट स्टिल टीचर के मुंह से सुनने में ज़्यादा पता चलेगा ना है, बिकॉज जो बच्चे होते हैं ना उनका घर पे बिहेवियर कुछ और रहता है और बाहर बिहेवियर एक अलग ही तरह का बिहेवियर होता है उनका. आप सब सोच रहे होंगे कि मैं इतना तैयार होकर क्या कर रही हूँ. सो गाइस, मैंने भी यहाँ पे पूजा की थी तो इसकी वजह से मैं भी थोड़ी तैयार हूँ है ना. सो रियांस की टीचर क्या बोलती है उसके बारे में मैं आप लोग के साथ वो भी डिस्कस करूँगी. सो अभी 2 बजे है, अभी बज रहे हैं 11:30. सो 2 बजे उसके क्लास टीचर के साथ हमारा जूम मीटिंग है, तो देखते हैं कैसा रहता है ना. सो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है. और अभी के लिए बाय गाइस, बिकॉज अभी मुझे और भी काम करने हैं. मैंने पूरा घर क्लीन किया है, सारा कुछ किया है, लंच भी बनाना है, तो मैं जाती हूँ लंच फटाफट बनाती हूँ, फिर मैं आपको मिलती हूँ कि टीचर ने क्या बोला रियांस के बारे में, है ना. तो चलिए बाय. राइस को फ्राई किया है, सम वेजेस है एंड एक गोभी चिल्ली एंड एक चपाती. ये हस्बैंड का. हाय गाइस, सो रियांस के टीचर के साथ हमारा हो गया है मीटिंग. रियांस के टीचर ने बोला रियांस अच्छा पढ़ाई कर रहा है, मैथ्स में अच्छा है एंड उसका सारा कुछ अच्छा है. वो घर पे मैं पढ़ाती हूँ ना, तो उसको अल्फाबेट्स सारे आते हैं एंड नंबर्स आते हैं. तो टीचर ने दिखाया हमें 1 से 20 तक का कि उसने कैसे लिखा है, तो सारा कुछ उसका अच्छा है. पढ़ाई में वो बहुत अच्छा है, बस उसका जो नंबर 8 जो लिखता है ना, वो अच्छे से राउंड राउंड नहीं होता, लाइक ऊपर और नीचे. तो टीचर ने बोला कि वो स्नोमैन बनाता है. मुझे इतना हंसी आ रहा था बिकॉज मैं भी देखती हूँ कि हाँ वो उस तरह से 8 लिखता है. तो उसका 8 का जो है मुझे प्रैक्टिस कराना है ताकि वो 8 अच्छे से लिखे. एंड टीचर ने बाकी सारा कुछ बताया कि वो अच्छा कर रहा है, वो अच्छे से रीड सारा कर लेता है. टीचर ने बोला रियांस जब खुश होता है ना, रियांस क्लास में थोड़ा नॉइज़ करता है, लाइक जब खुश होता है ना तो उसका थोड़ा सा लाइक बच्चे होते हैं ना थोड़ा नॉइज़ करते हैं, तो वो रियांस भी करता है. वो तो यहाँ पे मैं तो देखती ही हूँ. तो बस टीचर ने वो मेंशन किया कि अदर देन दैट सारा कुछ रियांस का अच्छा है स्टडीज़ में. तो ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा. सो गाइज, ये था जो मैं आप लोग से शेयर करना चाहती थी, क्योंकि फर्स्ट पेरेंट मैं पेरेंट भी बन गई. फर्स्ट पेरेंट मीटिंग हुआ हमारा टीचर के साथ, तो सारा कुछ सही है उसका, तो सुन के अच्छा लगा काफ़ी. टीचर भी हैप्पी थी
कि रियांश इज़ अ वेरी स्मार्ट बॉय. जब उसने बोला ना ये तो मुझे बहुत खुशी हुआ. सो यही था गाइस शेयर करने के लिए. सो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे कुछ देर के बाद, ठीक है? तब तक के लिए बाय. बैक फ्रॉम स्कूल. डू